हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस सीरीज। और मैं अनुराग सिंह आज आपको कुछ चेस्ट की बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूं, उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं और किस तरीके से उस मिस्टेक को ठीक किया जा सकता है ताकि आप अपनी चेस्ट मसल को अच्छी तरीके से हिट कर पाए। तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, पहली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। तो जैसे कि आपको पता है बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं इसमें। तो आज मैं इसकी प्रॉपर फॉर्म आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप फ्लैट बेंच प्रेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जो ये फ्लैट बेंच प्रेस है, ये आपके मिड चेस्ट को हिट करती है, मतलब कि जो मिड चेस्ट में आपके पेक्टोरियल मसल्स होती है उनको हिट करती है। तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्म इसकी बताने वाला हूँ, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो रॉड है, रॉड का इंक्लाइनेशन जो होता है बिल्कुल आपके माथे के ऊपर होना चाहिए, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल माथे के ऊपर। और जो आपकी ग्रिपिंग होगी, ये आपकी शोल्डर रेंज है, शोल्डर रेंज से बाहर आपकी ग्रिपिंग जाएगी इस तरीके। जैसे मेरी शोल्डर रेंज ये है, यहाँ पे मेरी शोल्डर रेंज आ रही है, तो मेरी ग्रिपिंग इससे बाहर रहेगी, यहाँ पे मेरी ग्रिपिंग हो गई है। अब ग्रिप को इस तरीके से करना है, परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी ग्रिप, परपेंडिकुलर रहेगी। इसको उठाना है और जहां आपके मिड मसल है, मिड चेस्ट, मिड मसल, वहां पे लेकर आना है इसको, नीचे ले जाके यहां पे होल्ड और फिर धीरे धीरे रिलीज। इसको नीचे लाके होल्ड और फिर धीरे धीरे रिलीज। तो गाइस, ये थी फ्लैट बेंच प्रेस प्रॉपर फॉर्म। एक चीज का पूरा ध्यान रखें, जो आपकी रॉड आएगी वो आएगी मिड चेस्ट, जो आपकी मिड चेस्ट होती है, मिड चेस्ट के ऊपर आएगी, ना इससे ऊपर जाएगी ना इससे नीचे जाएगी, मिड चेस्ट के ऊपर। और हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। जो ये इंक्लाइन डंबल प्रेस है, ये वर्क करती है हमारी अपर पैक पे या फिर अपर पोर्शन ऑफ पेक्टोरियल मसल, मतलब कि अपर पोर्शन जो है मिड मसल का, उस पे वर्क करती है। सबसे पहले तो डंबल यहाँ पे रखने हैं, बिल्कुल जो आपकी अपर पैक है, जो अपर मसल है, उसके साइड में डंबल रहेंगे और इस तरीके से ऊपर ले जाना है इसको, यहाँ ले आके होल्ड थोड़ा, इसको यहाँ पे नीचे लाना है। ग्रिपिंग इसमें भी परपेंडिकुलर रहेगी, इस तरीके से ग्रिप नहीं रहेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी। होल्ड वहाँ पे ले आके फिर इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है अपर पैक के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो अपने अपर पैक को बहुत अच्छे तरीके से हिट कर पाएंगे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डिक्लाइन बेंच प्रेस। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है डिक्लाइन बेंच प्रेस बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें भी मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी डिक्लाइन बेंच प्रेस है, ये आपके लोअर पोर्शन ऑफ पेक्टोरियल मसल तक वर्क करती है, जो आपकी मिड चेस्ट हो गई या फिर इसको पेक्टोरियल मसल बोल लो, उसके लोअर पोर्शन पे वर्क करती है। इसमें भी सेम वही चीज, जो रॉड की इंक्लाइनेशन होगी बिल्कुल माथे के ऊपर रहेगी, बिल्कुल ग्रिपिंग शोल्डर रेंज से बाहर, मेरी शोल्डर रेंज ये है, ग्रिपिंग इससे बाहर जाएगी और जो ग्रिप होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी आपके एल्बो के परपेंडिकुलर, इस तरीके से नहीं होगी ग्रिपिंग, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके एल्बो के। अब जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज लोअर मसल पे वर्क करती है, तो हमें इसे लोअर मसल पे लेकर आना है, यहां पे ले जाके थोड़ा सा होल्ड देना है ताकि लोअर मसल पे पूरा स्ट्रेस पड़े, फिर इसे धीरे धीरे रिलीज। अब ऐसे नीचे लाके लोअर मसल पे होल्ड ताकि पूरा स्ट्रेस आए लोअर मसल पे, अच्छे तरीके से हिट हो लोअर मसल और धीरे धीरे इसको रिलीज। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज होने वाली है बैक डेक फ्लाई, जिसको कॉमनली बटरफ्लाई भी बोला जाता है। एक चीज समझ लीजिए,
चेस्ट की स्ट्रेंथ के लिए और चेस्ट की मास बिल्डिंग के लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल आइडियल एक्सरसाइज है। मतलब अगर इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आइडियल एक्सरसाइज है। बैक मसल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ना आगे बेंड होगी ना बिल्कुल पीछे रहेगी, लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जो आपकी ग्रिपिंग होगी इस तरीके से, और जो एल्बो होगा वो नीचे नहीं होगा, एल्बो आपका थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे आ गया थोड़ा सा ऊपर, अब यहाँ पे लाके इसको होल्ड करना है, चेस्ट पीछे और हैंड जितना ज़्यादा हो सके आगे ले जाना, यहाँ पे ले जाके होल्ड एंड रिलीज, होल्ड एंड रिलीज। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है क्लासिक डंबल पुल ओवर। लास्ट एक्सरसाइज जो होने वाली है वो होने वाली है क्लासिक डंबल पुल ओवर। और गाइस ये जो एक्सरसाइज है ये चेस्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, मतलब कि अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो मसल को, चेस्ट मसल को बहुत अच्छी तरीके से हिट कर पाएंगे। इसकी मैं पोजीशन बता देता हूं आपको, इस तरीके से जो आपका कोर होगा, कोर को ऊपर रखना है, यहां पे होल्ड करके इसको बिल्कुल नीचे नहीं ले आना, इसको ऊपर रखना है, ग्रिपिंग इस तरीके से होगी, पूरा नीचे जितना ले जा सकते हैं, और इसको लाके लोअर बैक के पास, मतलब जो आपका लोअर पोर्शन है चेस्ट का वहां तक ले जाना है। लोअर पोर्शन के पास नीचे ले जाके थोड़ा होल्ड, फिर ऊपर लोअर पोर्शन के पास। तो गाइस ये थी कुछ बेसिक चेस्ट की एक्सरसाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कुछ टाइम बाद हम गिव अवे रखने वाले हैं, तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उस पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।